हैं वो करेंगे रेजिस्टेंस पे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स ईएमएफ पे। टोटल इस वीडियो में 4 न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट टू ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेकेंड टू लास्ट टू आर ऑन ईएमएफ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। टू कॉयल्स हैव अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। इन्होंने बोला कि दो कॉयल्स हैं, सपोज एक का रेजिस्टेंस R1 है, सेकेंड का रेजिस्टेंस R2 है। इन्होंने बोला है जब सीरीज में है, तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 इज इक्वल टू कितना है उनका, 9 ओम। एंड जब उन्हें हमने पैरलर में कनेक्ट किया, पैरलर का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R1 × R2 / R1 + R2 इज इक्वल टू 2 ओम। अब हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, वन एंड सेकेंड। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, 9 - R2, इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। दैट इज R2, R1 कितना है, 9 - R2 डिवाइडेड बाय R1 कितना है, 9 - R2 + R2 इज इक्वल टू 2। कैंसिल आउट, कितना बच गया हमारे पास, 9 R2 - R2² इज इक्वल टू 18। इसको ले गए इधर सारे को, R2² - 9R2 + 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 9 के फैक्टर्स बना दिए। किस तरह, इस तरह से कि उनका जो मल्टीप्लाई है वो आ जाए 18 एंड देयर सम बिकम्स 9। तो ऐसे मल्टीपल्स होते हैं 3 और 6। 9, 6 3 = 18 एंड 9 और 6 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 9, सॉरी 6 और 3 को ऐड करोगे आ जाएगा 9। सो R2² - 3R2 - 6R2 + 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से R2 कॉमन ले लिया, R2 - 3 - 6R2 - 3, हमारे पास क्या बच गया, R2 = 3 और 6। इसमें से कोई भी उठा लो, सपोज R2 अगर 3 है तो R1 कितना आएगा, 9 6, और अगर R1 को हम 6 उठाएंगे तो R2 कितना आएगा, 3। तो ये सिंपल सा ही न्यूमेरिकल था, बट इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत कॉमन है आने। नेक्स्ट सेकेंड न्यूमेरिकल, सेकेंड न्यूमेरिकल में बोला है कि आपके पास एक रजिस्टर है 24 ओम का, सपोज वो एक वायर की फॉर्म में है इस तरह से, इसका पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम। हमने इसे बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब हमें कोई दो पॉइंट्स मिल गए, ए और बी, इनके बीच का क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। देखो अब टोटल का 24 है, इसका कुछ और होगा और इसका कुछ और, तो इस वाले पार्ट का, आर्क ए बी का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इट डिपेंड्स ऑन देयर एंगल। 60 डिग्री है एंगल, तो ये कितना पार्ट कवर कर रहा है सर्कल का, टोटल एंगल कितना होता है, 360। देखो हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं दैट 360 का कितना है, 24 ओम। 1 का कितना होएगा, 24 / 360। 60 का कितना होएगा, 24 / 360 × 60, दैट मीन्स 4 ओम। इस वाले पार्ट का कितना रेजिस्टेंस है, 4 ओम। बाकी इसका कितना बच गया, ऑब्वियस है 20 ओम बच गया। अब हमें ए और बी, इनके बीच में क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये किस में हो गए, दो वेज हो गए जाने के, वन एंड सेकेंड। तो ये इस तरह हो गए कुछ, ए और बी, यहाँ पर लगा है एक 20 ओम, 20 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ लगा एक 4 ओम का। तो इनको सॉल्व करने से कैसे आएगा, अब रिफेक्टिव 1 / RP इज इक्वल टू 1/20 + 1/4, 20 आ गया, 5 सॉरी 1 + 5 इज इक्वल टू 6/20, RP कितना आ गया, 20/6, और वी कैन से दैट 10/3 ओम। इजी था निकालना, बट इस टाइप के जो बेंडिंग वायर वाले हैं ये आते हैं, इसलिए मैंने इन दो न्यूमेरिकल्स को चूज़ किया, क्योंकि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के आप कर लेते हो, बट एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टिपिकल होते हैं और वही नहीं आपको आते हैं।
तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस बुक से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट ईएमएफ के जो क्वेश्चंस हैं, ईएमएफ के क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस या ईएमएफ पे जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेल है उसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, ईएमएफ इज 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज 0.1 ओम इज कनेक्टेड टू वे दैट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कैपिटल आर 3.9 ओम है, वट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, वी निकालना है। ठीक है, अब इनके बीच में हमें सबसे पहले वी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी का फॉर्मूला होता है ई माइनस आई आर, मतलब हमें आई निकालना पड़ेगा एंड आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर, ऑब्वियस फॉर्मूलाज लगाने ही आने चाहिए आपको। तो 2 3.9 प्लस 0.1 विच इज इक्वल टू 2/4 एंड दैट्स बिकम 1/2 एम्पियर। इसमें पुट कर दो, वी इज इक्वल टू ई कितना है 2 माइनस आई 1/2 एंड आर इज 0.1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये आ जाएगा 1.95 वोल्ट। दिस इज द आंसर। ईजी था क्वेश्चन, बस आपको ये पता चलना चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही लगे हैं दो, तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगाने आने चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, ये हमारा जो CBSE 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यह आया हुआ है। इसमें क्या हुआ है, हमें एक सेल दी है उसका ईएमएफ है ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, गिव्स द करंट दिस, करंट दिया हुआ है डायरेक्ट, करंट इज 0.5 एम्पियर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम और जो एंड करंट विद एंड, इसमें एक केस तो ये दे दिया, सेकेंड केस दे दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, अगर 25 ओम होता है तो सॉरी करंट कितना आता है 0.25 एम्पियर अगर हमारा इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 ओम हो जाता है। हमें निकालना क्या है, ई निकालना है और आर निकालना है। देखो इसमें सेल नहीं चेंज की है, सेल वही है, फॉर्मूला क्या होता है आई का, ई बाय आर प्लस आर कितना है, ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा 0.5 इज इक्वल टू ई बाय स्मॉल आर पता नहीं हमें प्लस 12। सिमिलर फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे 0.25 इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस 25। इक्वेशन वन, इक्वेशन सेकेंड सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 0.5 आर प्लस 6 इज इक्वल टू ई, इसको सॉल्व करके क्या आ गया 0.25 आर प्लस 25 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, आ गया 6.25 इज इक्वल टू ई। ई के इक्वल आ गई, दोनों इक्वेशंस कंपेयर कर देंगे, 0.25 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0.25 आर प्लस 6.25, इक्वेट कर देंगे 0.5 आर माइनस 0.25 इज इक्वल टू 6.25 माइनस 6 कितना आ गया 0.25 आर इज इक्वल टू 0.25, काट दिया आपस में, आर इज इक्वल टू 1, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तो ई निकल जाएगा यहाँ से, ई इज इक्वल टू 0.5 × 1 + 6 यानी 6.25 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर, सॉरी 6.5 वोल्ट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये पता करना है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, उसके बाद हमें तरीका अपने आप ही मिल जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, अगर इस तरह के और क्वेश्चंस आप ट्राई करो, किसी में कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन छोड़ दो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। एंड फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, एंड इफ़ यू लाइक दी अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you.